मैं तुमसे तुम्हारी जाति पूछ रहा हूं, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? पहले तुम अपनी जाति बताओ। आप हमारी जाति जानना चाहते हैं तो जान ली, हम जाति के डोम भाई डोम मगैया डोम। अरे भगवान, कहीं नहीं दिखाई दे रहा, सामान भी बहुत हो गया है। अच्छा कुली 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 कुली, सुनिए सुनिए टमाटर के पापा, देखिए वहां कोई बैठा है, पूछिए वो कुली है क्या? सही बोल रही हो, लगता तो है। अरे भैया सुनना जरा, अरे भैया कुली हो क्या? नहीं बाबू, तो अंबानी है, आपको हमारा बिल्ला नहीं दिख रहा, ये वर्दी नहीं दिख रही। अरे बाबूजी हम कुली ही हैं, बताइए। अच्छा भैया रिक्शा स्टैंड चलोगे? हाँ बाबूजी क्यों नहीं चलेंगे। अरे भैया कितना रुपए लोगे आप? कितना देंगे आप बाबूजी? अरे कितने रुपए लोगे आप? अरे आप कितना देंगे? अरे हम तो 50 रुपए देंगे। हम तो 80 रुपए देंगे बाबूजी। अरे भैया 50 रुपए लेना हो तो बताओ। नहीं बाबूजी 50 रुपए 80 रुपए से एक पैसा भी कम नहीं लेंगे, नहीं तो आप अपने रास्ते अपने रास्ते। अच्छा अरे भैया सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? 50 रुपए उचित होते हैं रिक्शा स्टैंड तक जाने के लिए। नहीं बाबूजी 80 रुपए से एक पैसा भी कम नहीं लेंगे, चल रहा है तो बताइए। अच्छा ठीक है लो ये सामान उठाओ। चलिए बाबूजी। अरे भाई बड़ी गर्मी है आज, प्यास के कारण गला बिल्कुल सूखा जा रहा, आसपास में कहीं पानी भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे भैया सुनना जरा। हाँ बाबूजी। अरे भैया आसपास में कहीं पानी मिलेगा क्या? प्यास से गला बिल्कुल सूखा जा रहा है। नहीं बाबूजी यहाँ कहीं पानी तो नहीं मिलेगा, आइए चलते हैं। अरे भाई सुनो तो जरा, प्यास से जान निकले जा रही है भाई, अगर कहीं से पानी का बंदोबस्त हो जाता तो जान में जान आके। बाबूजी अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो हम आपको अपना पानी पिलाते हैं। अरे लाओ भाई लाओ, पिलाओ ये अमृत। ये लो टमाटर की अम्मा, तुम भी पी लो। लीजिए टमाटर के पापा। अब जाकर जान में जान आई। अरे भाई आज तुमने मुझे पानी पिलाकर उस पर बड़ा भारी एहसान किया है। कोई बात नहीं बाबूजी, भला इंसान ये तो इंसान के काम आता है, आइए चलते हैं। अरे भाई मैंने तो इसके हाथ का पानी तो पी लिया, परंतु इसकी जाति तो पूछी नहीं। हे भगवान, कहीं ये किसी छोटी जाति से तो नहीं, पर कैसे पूछूं इससे? एक काम करता हूँ पूछ लेता हूँ। अरे भैया सुनना जरा, मैंने अनजाने में तुम्हारे हाथ का पानी तो पी लिया, परंतु तुम्हारी जाति तो पूछी नहीं। अरे भाई जाति पात में का रखल बा साहब, हम सब तो उस भगवान के ही बनाए हुए हैं, आइए चलते हैं। अरे नहीं सुनो एक बार, तुम्हारी ये जात भले से मायने नहीं रखती होगी, परंतु हमारी ये जात बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि हम बहुत ही ऊंची जाति से हैं, छोटी जाति का लोग का मुंह भी नहीं देखते। लगता है इन्हें इनकी बड़ी जाति का होने पर बहुत घमंड है, ऐसे इंसान को तो मजा सिखाना ही पड़ेगा। अरे बाबू जी का रखा है इन जात पात की बातों में, आइए चलते हैं। अरे नहीं सुनो, मुझे तुम्हारी जाति जाननी बहुत ही आवश्यक है, वरना ये सामान नीचे रखो और चले जाओ। रौरा हमारा जात जानना चाहता नहीं। अरे हाँ भाई वाह, बता दी अपन जाति बाबूजी। अरे बताओ भी भाई, बता दी। अरे बिल्कुल बताओ भाई। अरे छोड़ी महाराज। अरे नहीं सुनो, मैं तुमसे तुम्हारी जाति पूछ रहा हूँ, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? पहले तुम अपनी जाति बताओ। आप हमारी जाति जानना चाहते हैं तो जान ली, हम जाति के डोम भाई डोम मगैया डोम। अरे भगवान ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे।
मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया। मैंने एक छोटी जाति के आदमी के हाथ से पानी पी लिया। अब हमारे भाई बहन और हमारे जाति वाले हम आस पास ही नहीं बैठने देंगे। अरे टमाटर की शादी के लिए अपनी बेटी कौन देगा? अच्छा ठीक है। अरे भैया सुनना जरा, अनजाने में मैंने तुम्हारे हाथ का पानी तो पी लिया, परंतु यह बात तुम किसी से मत बताना, इसीलिए हम तुम्हें 80 के बजाय 100 रुपए देंगे। आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए बाबूजी, की बात हम केहू से नहीं कह। आइए चलिए। अरे क्या देख रहे हो तुम मेरे बैग में? बाबूजी अगर आप बुरा ना माने तो बात पूछी। हाँ पूछो। बाबूजी बैग का विलायती लगा था और काफी महंगो लगा था। अरे हाँ भाई हाँ, इसे मैंने लंदन से जो मंगाया है, ये काफी कीमती और काफी यूनिक भी है। बाबूजी ये बैग आप हमके दे दी। अरे ऐसा भी होता है क्या? यह इतना कीमती और यूनिक बैग मैं तुम्हें कैसे और क्यों दूं भला? बाबूजी ये बैग हमके बहुत पसंद आ गई बा, ये बैग आप हमके दे दी। वाह भाई वाह, ये देखो ऐसा भी होता है क्या? एक तो ये बैग उठाते उठाते बैग के मालिक बनने का सपना देखने लगे। अरे भैया ये बोझा उठाओ, यही तुम्हारी औकात है। ये बैग आप हमके ना दे बाबूजी। अरे नहीं दूंगा भाई। ना दे? अरे बिल्कुल नहीं दूंगा भाई। तो ठीक बा बाबूजी, हम जाकर लोगों से कह देवे कि बाबूजी हमारे हाथ के पानी पी ले बानी। अरे नहीं नहीं सुनो, चलो एक बैग की तो बात है ले लो तुम, पर यह बात तुम समाज में किसी से मत बताना वरना बड़ी जगह साई होगी। चलिए बाबूजी। कैसे हमारी इसमें बात कर। बाबूजी बाबूजी सुनी बाबूजी, हमें हमारी बनने को दुविधा बा। क्या है बाबूजी? हम सोचत रहनी कि अगर हमरो लगे ऐसा। अरे हटो हटो, दूर रहो तुम मुझसे। हम सोचत रहनी कि अगर हमरो लगे ऐसा सूट होए तो हम बहुत जगह के पहन के बाजार में निकलती तो लोग हमरो के इज्जत देत। अरे वाह भाई वाह, ये देखो औकात 2 करोड़ की और सपने इतने बड़े बड़े, आदमी को अपनी औकात में रहना चाहिए। एक तो छोटी जाति के और पहनेंगे सूट। अरे भैया ये बोझा उठाओ, यही तुम्हारी औकात है। बाबूजी हमें हमारी औकात दिखाने चले हैं, अब तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलिए बाबूजी। बाबूजी सुनी, ये सूट हमके बहुत भा गई बा, इस सूट के बिना हम नहीं रह पाए, इस सूट हमके चाहिए और अपने चाहिए। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये इतना महंगा सूट मैं तुम्हें क्यों भला दूं? ये सूट आप हमके ना दे बाबूजी। अरे नहीं दूंगा भाई। ना दे? अरे बिल्कुल नहीं दूंगा भाई। तो ठीक बा मत दी। बाबूजी हमारी हाथ। चुप चुप चुप। अरे छोड़ी सूट नहीं देते हैं यहाँ बाबूजी हमारी हाथ के। अरे चुप चुप चुप, यह बात तुम किसी से मत बताना, चलो सूट की ही बात है। लो ये तुम सूट। अरे तुम तो बड़े बदतमीज इंसान हो जी। अरे मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी कोई पर्सनालिटी है, मैं ऐसे ही थोड़ी जाऊंगा। पूरा और परेशानी बाबू आप जाओ, हमके कई पैंट चाहिए। अरे ये पैंट मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये पैंट आप हमके ना दे? अरे बिल्कुल नहीं दूंगा भाई। तो सोच ली। अच्छा ठीक है। ये पैंट भी तुम्हें
भी रख लो। चलिए बाबूजी। बाबूजी बाबूजी सुनी। अरे हटो, इतनी बात रहा तुमसे, दूर रहो तुमसे। बाबूजी एक बात पूछी। हाँ पूछो। बाबूजी रौड़ी घर में खाना क्यों बनावेला? अरे मूर्ख, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी बीवी बनाती है। रौड़ी घर में कपड़ा क्यों धोवेला? ये भी कोई पूछने की बात है? जब खाना मेरी बीवी बना रही है तो कपड़ा भी मेरी बीवी धोती है। और रौड़ी घर के देखरेख क्यों करेगा? जब सारा काम मेरी बीवी कर रही है तो घर का देखरेख भी तो मेरी बीवी ही ना करेगी। तुम तो एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो। चल बाबूजी सुंदर वाली। अरे हटो, छोड़ो मेरी बीवी को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छोड़ने की? अब तुम अपने औकात से बाहर जा रहे हो। रसोई जल गई लेकिन आइटम नहीं गई। बाबूजी हम तो छोड़ जाते हैं ना, बैग चुनी तो बैग वो दे देनी, सूट चुनी तो सूट वो दे देनी, अब गिनो के छुए तानी गिनो के दे दी। अरे छोड़ो मेरी बीवी। अरे दीदी। अरे छोड़ो मेरी बीवी। अरे दीदी बाबूजी। अरे छोड़ो भी मेरी बीवी को। दीदी बाबूजी। अरे छोड़ो, तुम तो बड़े बेलज इंसान हो, तुम अपनी औकात से बाहर जा रहे हो, तुम अपनी औकात में रहो। आप इनके हमके ना दे बाबूजी। अरे नहीं दूंगा भाई। ना दे। अरे बिल्कुल नहीं दूंगा भाई। ठीक है बाबूजी, हमारी हाथ के पानी। अरे जाओ बता दो किसी से, मैं नहीं डरता। अच्छा बाबूजी हमारी हाथ के पानी। चुप, यह बात तुम किसी से मत बताना। अच्छा अगर मैं अपनी बीवी को तुम्हें दे दूंगा तो यह बात तुम किसी से बताओगे तो नहीं? क्योंकि अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा देने के लिए। नहीं महाराज, सब तो मिलिए गई। अच्छा ले जाओ इसे, चलो सम्मान के लिए मैं तुम्हें भी कुर्बान करता हूँ। बुलाया टमाटर के पापा, चलो बुलाया टमाटर के पापा, चलो।